दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये हमारा 25वां वीडियो है और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बाहम मुमासिल अल्फाज, यानी उन अल्फाज पर जो एक जैसी आवाज वाले हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर उनके मतलब बिल्कुल फर्क होते हैं। तो आज हमने इस तरह के 10 अल्फाज आपके लिए चुने हैं, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा और साथ ही साथ आपको पसंद भी आएगा। तो सबसे पहले हमने जो दो अल्फाज लिए हैं वो हैं बीड़ा और बेड़ा। उर्दू में दोनों एक तरह से लिखे जाते हैं मगर उसके तलफ्फुज या प्रोनंसिएशन या उच्चारण में फर्क होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेड़ा। बेड़ा का मतलब है फ्लीट, जिसे हम पोतावली कहते हैं, जहाजों का दस्ता बोलते हैं, और बीड़ा, बीड़ा का मतलब है गेज, यानी पान, पान की गिलोरी। दोनों मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमने तीन अल्फाज यहाँ पर लिए हैं, बेल, बेल और बैल। लिखने में तीनों एक तरह से लिखे जाते हैं मगर फर्क क्या है कि जब आप बेल एक फल है उसको कहते हैं तो उसकी स्पेलिंग भी एक ही तरह से होती है। बेल, वुड एप्पल एक फल है, उसके बाद बेल, बेल का मतलब है लता, क्रीपर एक किस्म का पौधा। फिर है बैल, बैल का मतलब है ऑक्स, वृषभ और जिसे हम गाय का नर बोलते हैं। फिर है बैजा और बैजा, दोनों सुनने में एक जैसे हैं मगर एक अलिफ के साथ है और एक छोटी हे के साथ है। तो अलिफ के साथ जब बैजा लिखा जाता है तो उसका मतलब है ग्लो या उज्ज्वलता, उजला या सफेद, और अगर हे के साथ बैजा लिखा जा रहा है तो उसका मतलब है एग या अंडा। फिर है पारा। पारा एक अलिफ के साथ है और एक छोटी हे के साथ है। जब अलिफ के साथ होगा तो इसका मतलब है मरकरी, पारद, जिसे हम सीमाप भी बोलते हैं, और अगर हे के साथ है तो उसका मतलब है पीस, भाग या टुकड़ा। फिर है पता। एक अलिफ के साथ है और एक छोटी हे के साथ है, तो जब हम पत्ता लिखते हैं तो उसके उसका मतलब होता है अलिफ के साथ लीफ, पत्ता बर्ग, और एक है पता जिसका मतलब है एड्रेस, ठिकाना, जगह या मकाम। तो याद रखिए, अलिफ के साथ पत्ता है और हे के साथ पता है। फिर है ताबे। ताबे एक तोई के साथ है जिसका मतलब है पब्लिशर, प्रकाशक या छापने वाला, किसी भी किताब को या अखबार को, किसी भी चीज को, और अगर ते के साथ है तो उसका मतलब है अंडर, सुपरविजन भी हो सकता है, एक्स की निगरानी में, एक्स के मातहत। फिर है ताजील। ताजील अगर ऐन के साथ है तो इसका मतलब है हरी, शीघ्रता, उजलत या जल्दी, और अगर अलिफ के साथ है तो उसका मतलब है बाई टाइम, विलंबन, मोहलत देना, किसी को वक्त देना। फिर है तखयल और तखयल। तखयल का मतलब है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, ख्याल या कुव्वते ख्याल। तखयल का मतलब है इमेजरी, कल्पना या ख्याल करना। फिर है तरस और तर्स। तरस का मतलब है काइंडनेस, करुणा या रहम। तर्स का मतलब है फियर, भय, डर या खौफ। फिर है तकिया। एक तकिया हे के साथ है, एक तकिया अलिफ के साथ है। तो जब हम हे के साथ तकिया कहते हैं तो उसका मतलब होता है पिलो, सर टिकाने की चीज, और अगर अलिफ के साथ है तो उसका मतलब है ग्रेवयार्ड या समाधि क्षेत्र या कब्रिस्तान। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमने इतने अल्फाज चुने थे। आपकी क्या राय है वीडियो पर, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।